मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की पार्षद दिव्या ने नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो धरने पर बैठ गई। धरना इसीलिए क्योंकि इनके वार्ड में कोई सफाई नहीं होती। धरना इसीलिए क्योंकि इनकी कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं सुनता, लिहाजा ये अकेले ही आमरण अनशन पर बैठ गई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता को लेकर हमारे बिजावर में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे बाढ़ की और ज्यादा दयनीय स्थिति है। बाढ़ में नालियां बुझा रही हैं, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। बाढ़ में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और हमारे बाढ़ में जैसे जलकर वृद्धि कर दी गई है। शासन ने 4 गुना वृद्धि कर दी गई है जलकर में, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। बाढ़ की सफाई को लेकर कई बार सीएमओ सर को ज्ञापन दिए हैं, जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। चूंकि मैं एक दलित लड़की हूँ, तो मेरे द्वारा किसी भी शिकायत या किसी भी काम को कहने पर नहीं किया जाता है, मुझे नजरअंदाज किया जाता है। अगर इसलिए मैं अनशन पर बैठी हूँ, मुझे नगर परिषद ने मजबूर किया अनशन पर बैठने के लिए। जो हमारी मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, बाढ़ पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए तो भी हम नहीं हटेंगे। बिजावर नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 से पार्षद दिव्या अहिरवार के आमरण अनशन की खबर जैसे ही प्रशासनिक अफसर को लगी, तत्काल वो मौके पर पहुंचे और उनके वार्ड की सभी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिया, जिसके बाद दिव्या ने अनशन तोड़ा। फिलहाल दिव्या ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनके वार्ड की समस्याएं हल नहीं हुई तो वो फिर 8 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। आपको बता दें कि दिव्या मात्र 21 साल में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद चुनी गई है। वो मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की पार्षद है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, एमपी तक।